सावन माह में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में वीआईपीओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे। यहां वे बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान वे नंदीहाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। दरअसल गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध होने की वजह से गिरीश गौतम ने गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका और बाबा महाकाल की पूजन आरती की। वही पंडित नवीन शर्मा और रूपम शर्मा ने पूजन अर्चन करवाया। मंदिर समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने समिति की ओर से सम्मान किया। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हर विधानसभा सत्र से पूर्व भगवान महाकाल का दर्शन करने आते हैं, बाबा से आदेश लेने के लिए आते हैं कि भगवान सत्र अच्छे से निपटे और इसी अनुसार आज पवित्र श्रावण मास में सब परिवार ने भगवान का भस्मारती का दर्शन करा। भस्मारती बाद मंदिर की सुविधा अनुसार गर्भगृह अभी बंद करा हुआ है, प्रोटोकॉल अनुसार भी गर्भगृह बंद करा हुआ है, तो उन्हें माननीय ने मंदिर के नियम अनुसार जिस प्रकार से दर्शन होता है उस प्रकार से मंदिर नियम अनुसार दर्शन करें और मंदिर के अधिकारी सहायक प्रशासक द्वारा माननीय का स्वागत कराएं। पंडित रूपम शर्मा, जय महाकाल।